नमस्कार मित्रों, एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी होगी कि जो हमारा नाइलेट है, नाइलेट मतलब समझ रहे हैं जो हमारी डोएक संस्थान है, जो पिछले कई वर्षों से सर्वोत्तम काम कर रही है हमारे इंडिया में, और हाँ, इंडिया में सर्वोत्तम काम ही नहीं कर रही, वो ऐसा काम कर रही है कि बिना उसके आप अब सरकारी नौकरी पाना भी असंभव है। अब ये समझ लीजिए, हमारे चाहे यूपी की गवर्नमेंट हो या इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर आप नाइलेट संस्था से जुड़े नहीं हैं तो आपको काफ़ी सारी नौकरियों में प्रॉब्लम होगी, काफ़ी सारी जॉब में प्रॉब्लम होगी। तो उसी से रिलेटेड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, एक कोर्स होता है जिसका नाम है ओ लेवल, आप लोगों को जानकारी होगी। नहीं जानकारी है तो आज जानकारी ले लीजिए कि एक कोर्स होता है ओ लेवल, जो कि इस समय आरओ एआरओ किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, यहां तक कि यूपी ट्रिपल एससी के यूपीएससी के एग्जाम तक भी इसके मांग हो रही है। और हाँ, मार्केट में तो अब ऑपरेटर की जॉब पे भी ओ लेवल की स्पेशल वैकेंसी आ रही है। आप लोगों को बता दें हम कि इसकी जो वैकेंसी आती है वो भी खाली चली जाती है। तो ये कोर्स इतना अनिवार्य है कि जितना आपको खाना खाना अनिवार्य है। तो समझिए आप मेरी बात को, ओ लेवल का जो कोर्स है उसको करना एकदम अनिवार्य है। तो मित्रों, मैं आज इस वीडियो में पूरा फिफ्थ डिवीजन जो हमारा हुआ है ओ लेवल, उसके बारे में बताऊंगा। मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से आज पूरा न्यू सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, मजा आने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने कोर्स पे जिसका नाम है ओ लेवल, ठीक है। अगर हम इस पे बात करते हैं तो आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जो ओ लेवल होता है इसको नीलेट कराती है, ठीक है, जिसका पुराना नाम था डोएक, ठीक है, इसका पुराना नाम था डोएक। हाँ मित्रों, एक बात जान लीजिए, अगर हम लोग नाइलेट के अकॉर्डिंग देखें तो जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है वो 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। ये कहती है कि आप 5 साल के अंदर चाहे जब पास करिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें 5 साल नहीं देखना होता। और नाइलेट एक बात और कहती है कि आप इसे 6 मंथ में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लीजिए, दो बात नाइलेट कहती है। पहला तो कहती है कि हम आपको रजिस्टर्ड 5 साल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम आपको रजिस्टर्ड 5 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप इसको आराम से 6 महीने में भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, सिलेबस डेवलप किया गया है, नाइलेट ने बोला, ठीक है, तो हम मान लिए इसकी बात। लेकिन क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन वाले, क्या करते हैं जहां हम पढ़ने जाते हैं, इंस्टीट्यूशन वाले कहते हैं कि भैया कुल मिला जुला के हम आपको 1 साल का समय लेंगे। ला मतलब ये हुआ कि नाइलेट ने कहा 6 मंथ या 5 ईयर, और हमने कहा कि हम आपको 1 साल का समय लेंगे, 1 साल में कंप्लीट कराएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को डेवलप कर लेते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन वाले। तो मित्रों, हम बता दें आज अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है फिफ्थ रिवीजन सिलेबस। मतलब ये हुआ कि हम लोग आज बात करेंगे कि जो हमारा न्यू सिलेबस आया है ओ लेवल में वो क्या आया है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और पुराने स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब उनका कल्याण कैसे होगा, वो कैसे रहेंगे, कैसे पास होंगे, इस चीज की जानकारी आज आप लोगों को पूरी वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम बात करेंगे आज फिफ्थ रिविजन की, ठीक है। जो 5वीं बार हमारा जो सिलेबस है ओ लेवल का चेंज हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अब तक जो है हमारा M1 R4 था, लेकिन अब क्या है, जितने भी होंगे वो M1 R5 या M2 R5 के नाम से हमारे सारे कोड जाने जाएंगे। तो मित्रों, हम बता दें आपको कि जो हमारा ओ लेवल है इसमें क्या होता है कि जो पुराने सिलेबस थे इसमें क्या था कि हमारे जो एग्जामिनेशन थे वो अलग मतलब थे, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम था, वेब डिजाइनिंग था, प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज था, ICT था, वेब था, मतलब ये सारे जो हमारे पुराने थे। लेकिन अब क्या है कि पुराने सिलेबस को चेंज करके नया सिलेबस ला दिया गया। लेकिन हाँ, थोड़ी सी हम एक मिनट बात करते हैं पुराने बच्चों के लिए। तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको क्या करना होगा, पुराने बच्चों को करना होगा कि वो उनको जो है नाइलेट ने 3 बार ऑफर दिया, यानी 3 चांस दिया है। पहला चांस दिया है जनवरी 2020 जो आप लोग एग्जाम दे चुके हैं, दूसरा चांस है जुलाई 2020, ठीक है, चलिए भैया,
तीसरा चांस है हमारा जनवरी 2021, यानी मतलब ये हुआ कि तीन चांस आपको दे रही है कि आप ओल्ड सिलेबस में क्या करेंगे, तीनों चांस में अपना एग्जामिनेशन पास कर लीजिए, अन्यथा आपको न्यू सिलेबस देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये रही ओल्ड, लेकिन अगर यही ओल्ड बच्चे चाहते हैं कि हम न्यू सिलेबस पे एग्जाम दे, तो हाँ दोस्तों ये भी संभव है। जुलाई 2020 से वो क्या करेंगे कि न्यू सिलेबस पे एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू नाइडेट सजेशन। दोस्तों ध्यान सुनिएगा हमारी बात, जुलाई 2020 से पुराने बच्चे भी नए सिलेबस नए पैटर्न पे एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, ओल्ड बच्चों के लिए यही है ठीक, लेकिन न्यू बच्चे क्या करेंगे कि जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स होंगे न्यू सिलेबस वाले, वो क्या करेंगे कि न्यू सिलेबस पे ही एग्जाम देंगे। किस पे देंगे? न्यू सिलेबस पे एग्जाम देंगे। उनके पास पुराना सिलेबस कोई नहीं है, जिसका रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहा है 31 जनवरी लास्ट डेट है, और लास्ट डेट है ओ लेवल रजिस्ट्रेशन की। तो मित्रों न्यू सिलेबस पे ही वो एग्जाम देंगे, जिनके सिलेबस के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे इनकी थ्योरी होगी, कैसे प्रैक्टिकल होगा, उन लोगों का प्रोजेक्ट कहाँ से जमा होगा। तो उसको हम लोग बात करते हैं, तो जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारा जो न्यू सिलेबस है वो कैसे होगा, क्या क्या चेंजिंग हुई है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या हमें करना पड़ेगा पास होने के लिए, कितने मार्क्स चाहिए हमें, हमारे ग्रेड क्या क्या है, हमें कितने नंबर पे कितना ग्रेड मिलेगा, इस चीज की जानकारी हम आपको मित्रों दे देते हैं आज पूरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर का पहले क्या नाम था? पहले नाम था M1 R4 था, लेकिन हमने बताया ना आप लोगों को कि ये फिफ्थ रिवीजन आ गया है, हमारा पांचवी बार ओ लेवल का जो है सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसलिए इसको जो है यहां से 4 से क्या कर दिया गया है, 5 कर दिया गया। बात अच्छे से समझिएगा, हमारी जो हमारा सिलेबस हुआ है वो पांचवी बार चेंज हुआ, इसलिए इसको फिफ्थ रिवीजन के नाम से हम लोग जानेंगे, और इसका जो कोड होगा वो M1R5 होगा, जिसको हम लोग जानते हैं क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेटवर्क बेसिस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला पेपर है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला पेपर है, और हमारा जो दूसरा पेपर होगा वो M2 R5 के नाम से जानेंगे, जिसको जो हमारा वेब डिजाइनिंग था उसमें, इसमें भी यही है, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। मतलब ये हुआ कि जो हमारा दूसरा पेपर है उसका कोड का नाम है M2 R5, और उसका नाम है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा तीसरा पेपर है वो क्या है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू, देखिए उसमें क्या था, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग था, तो इसमें भी यही लिखेंगे हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लोग इसमें भी लिखेंगे क्या, Programming Problem Solving Through Python। लेकिन जो हमारा पुराना सिलेबस था उसमें क्या था, हमारा प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज था। ठीक है, इसको हम लोग एंड कहेंगे, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। जो हमारा पुराना था उसमें क्या था, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज था, लेकिन अब क्या हो गया है कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन हो गया है दोस्तों। तो ये हमारा तीसरा पेपर है, और हाँ एक पेपर और चेंज हुआ है हमारा, सारे पेपर चेंज कर दिए गए हैं इसमें, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, उसका भी कोडिंग होगा M4R5, जिसको हम लोग IoT के नाम से जाने हैं, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्या कहेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारा है चौथा पेपर, ये क्या है हमारा,
चौथा पेपर है, ठीक है। ये सिलेबस हम आप लोगों को पूरा डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि प्रैक्टिकल कैसे जमा करेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे, इस चीज की पूरी जानकारी देंगे। इसमें एक कोडिंग हम और देंगे जिसको हम लोग R5 के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि जो प्रैक्टिकल में सर क्या आता है, कहां से आता है, तो हम इसकी एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को बता देते हैं कि प्रैक्टिकल में क्वेश्चन उठते कहां से है और आता कहां से, ठीक है। तो पुराने बच्चे क्या करेंगे कि इस कोडिंग पे काम नहीं करके वो क्या करेंगे, R4 वाले पे काम करेंगे। यानी मतलब ये हुआ कि जो पुराना सिलेबस था हमारा IT टूल्स, सी लैंग्वेज, ICT, वेब, तो इन सब पे काम करेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि M1 R5, ठीक है, M2 R5, M3 R5, M4 R5, इस पे इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिकल में, और कहीं से क्वेश्चन आता नहीं है, इसी से क्वेश्चन आएगा। और आराम से आप क्वेश्चन का सलूशन दे सकते हैं अगर आप पढ़े हैं तो, ठीक है। इसके बाद एक हमारा और बचता है जिसको हम लोग M6 R5 के नाम से जानते हैं, जिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप भाग दौड़ हर जगह करते रहते हैं, उसका नाम है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जमा करने के लिए भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है, कि आप प्रोजेक्ट कैसे जमा करें, कहां से जमा करें। प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, कहीं पे भी। तो दोस्तों हम बताते हैं प्रोजेक्ट आखिर कैसे जमा होता है। जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए, या तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी को प्रोजेक्ट आपका बनवाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो क्या करेंगे, आपको प्रोजेक्ट के लिए एक एमटेक या एमसीए का बंदा होना चाहिए, जो आपका प्रोजेक्ट वेरीफाई करके नाइलेट भेज दे, उसका प्रोजेक्ट आराम से सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास यही है सिलेबस। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि इसके कितने हावर हमें पढ़ना चाहिए कि हमारा ओ लेवल आराम से निकल जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा पेपर हो गया चारों। अब देखिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। अगर हम लोग थ्योरी की बात करें, ठीक है, हम थ्योरी लिखते हैं यहाँ पे, तो थ्योरी की अगर हम बात करें तो कम से कम 48 घंटे चारों पेपर का पढ़ना चाहिए, 48 क्लास यानी 48, ठीक है। हम लोग कोई भी थ्योरी अगर पढ़ते हैं तो हमारी 48 हावर की क्लास अनिवार्य है। अगर हम 365 दिन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 48, अगर हम लोग वही जो है अपना 6 महीने में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका ड्यूरेशन इंस्टीट्यूट वाले बढ़ा देंगे। और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल का भी टाइमिंग हम लोगों को 72 घंटे कम से कम होने चाहिए, 72 घंटे, यानी 72 घंटे इसका, 72 घंटे इसका और 72 घंटे इसका, यानी कि चारों का 72 घंटे थ्योरी होनी, प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला देंगे तो हमारा 120 घंटा हर क्लास में हो जाएगा। अगर 120 घंटा हर क्लास में कोई दे देता है तो ये बताइए कि उसको पास होने से कोई रोक सकता है, कभी नहीं रोक सकता है। यानी कि कुल मिला जुला के हो जाएगा 520 घंटा। अब सोचिए कि 520 घंटे की क्लास आपकी चलेगी पूरे ओ लेवल की, 520 घंटे की क्लास चलेगी, ठीक है। तो 520 घंटे में आप आराम से ओ लेवल को पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारा सिलेबस। अगर आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको कि जो हमारा ओ लेवल होता है इसका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे है। लोग पूछते हैं ना कि हम सर फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम पूरा ग्रेडिंग सिस्टम आप आज लोग ओ लेवल का बताएंगे कि ओ लेवल का ग्रेड हम लोग कैसे पाते हैं, कैसे पास होते हैं, और कितने मार्क्स पाने के लिए हमें एस चाहिए होता है, कितना मार्क्स पाएंगे तो हम एफ होंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं फेल्ड से। तो हमारा जो फेल्ड होता है वो होता है एप से, इंडिकेट किससे होता है, एप से होता है। हम यहां पे लिखते हैं आप लोगों को, जो हमारा फेल्ड होता है उसका इंडिकेशन होता है एप से, ठीक है। ये हमारा एफ मतलब क्या हुआ, फेल हुआ। अगर हम लोग 50 से 54% पाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा डी होगा, सीधी सी बात है, एफ के बाद डी ही आता है, ठीक है, ई नहीं आता है। ध्यान समझिएगा हमारी बात को। फिर उसके बाद अगर हम लोग 55% से 64% पाते हैं तो हमारा सी हो जाएगा,
ठीक है। सी मतलब क्या हुआ, अगर हम 55 से 64 के बीच में नंबर पाते हैं तो हमारा सी होगा, अगर हम 65% से 74% पाते हैं तो हमारा बी होगा, अगर हम लोग 75 से 84 पाते हैं तो वो हमारा ए होगा, अगर हम 85 से एबव कुछ भी पाते हैं तो वो हमारा एस होगा। मतलब क्या हुआ कि ये बताइए कि इसका मतलब फेल्ड हुआ, एफ का मतलब अगर हम लोग फेल हो गए तो एफ, सीधी सी बात है, यानी कि मतलब हमारा क्या हुआ कि 50 नंबर से भी कम नंबर हम पाए हैं तो फेल हो गए। उसके बाद अगर हम 50 से 54 के बीच में पाते हैं तो डी होगा, 55 से 64 पाते हैं तो सी होगा, और 65 से 74 पाते हैं तो बी होगा, 75 से 84 पाते हैं तो ए होगा, और 85 से एबव पाते हैं तो यस ग्रेड माना जाता है। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि सभी लोग यस ग्रेड लेके आइए, क्योंकि हम पूरा ट्यूटोरियल वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को पढ़ने के लिए। आप अगर इंस्टीट्यूशन में नहीं जा पा रहे हैं किसी, तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा ओ लेवल क्वालिफाई करेंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है दोस्तों। तो हम बताते हैं, ये हमारा हो गया ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेडिंग सिस्टम। अब हम बताते हैं कि पास होने के लिए यानी कितना नंबर चाहिए हमें, तो पास होने के लिए हमें 50 नंबर बस चाहिए होता है दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपका जो 40 नंबर का क्या होता है, एमसीक्यू होता है, और 60 नंबर का क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। अब आप समझिए, आपके पास 100 नंबर है, आपको सबसे आसान तरीका है पास होने का क्या कि आप 50 में से 40 नंबर का जो एमसीक्यू होता है इसको तैयार कर लीजिए। आप कुछ नहीं, डिस्क्रिप्टिव नहीं आ रहा, एमसीक्यू तैयार करिए। अगर आपका एमसीक्यू तैयार हो गया तो आपको 30-35 नंबर पा जाएंगे, 10 नंबर इसमें पा जाएंगे, आप आराम से 50 नंबर पा सकते हैं। और हाँ, पहले का सिस्टम क्या था कि 40 में से 20 ही काउंट होता था, लेकिन हाँ दोस्तों, अब एक बात नई है कि 40 में अगर आप 40 भी पाते हैं तो 40 काउंट होगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसमें से अगर हमें 10 नंबर भी मिल जाएगा तो हम आसानी से ओ लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। हाँ, नए वर्जन के हिसाब से कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, ओ लेवल जो नया वर्जन आया है कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हुई हैं। वो क्या है बता दें आपको कि सबसे पहले तो हम वेब डिजाइनर बन सकते हैं आराम से, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया है कि वेब डिजाइनिंग का एक हमारा चैप्टर है जिसको वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के नाम से जानते हैं, उस चैप्टर के उस बुक के अकॉर्डिंग आप वेब डिजाइनर बन सकते हैं। और दूसरी बात, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जैसे आरओ यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर, एआरओ यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, ऑपरेटर जैसे गवर्नमेंट जॉब भी इस कोर्स को करने के बाद आप आराम से पा सकते हैं। उसके बाद इसको करने के बाद आप प्राइवेट जॉब की तो पूछिए ही मत, कहीं भी जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर होती है तो आप लोग ओ लेवल सही से नहीं पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ओ लेवल कर लिए हैं तो आप कभी भी परेशान मत होइएगा। और हाँ, एक बात, ये हो गया हमारा पूरा सिलेबस, ग्रेडिंग और पासिंग सब कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं। अब हम बता दें आप लोगों को कि अगर आप लोगों को पूरा सिलेबस चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे एक सिलेबस का लिंक दिया हुआ है, जिससे आप लोग आसानी से को पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है तो भी अगर आप सेटिस्फाई होते हैं हमारा वीडियो देख के, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा ताकि हम समझे कि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा या बुरा लगा, तो बताएंगे तो हम आगे के अकॉर्डिंग उसी तरीके से अपना जो क्लासेस होंगी वो रनिंग कंटिन्यूअसली करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।